योगी बाबा का राज अच्छा चल रहा है, यूपी से गुंडा राज खत्म हो रहा है और खत्म होना चाहिए। जियो और जीने दो, उनसे ये कह दो कि जी लो हिंदुस्तान है, दूसरी जगह होते तो के नीचे होते। कोई भी गरीब भूखा नहीं मर रहा यहाँ पे, योगी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। सोनिया गांधी को जिताना है, आतंकवादी है तो आतंकवादी कहा जाएगा। वोट तो हमारे सपा के हम जात के आदब है। योगी आदित्यनाथ के जो कोरोना की कॉन्ट्रैक्टिंग है, ट्रेसिंग है, वो मतलब काबिले तारीफ है। वो एक रोल मॉडल बना है पूरे इंडिया में। सीएम अखिलेश यादव को हम तो कुछ और भी कुछ नहीं समझते, मतलब ये समझते बस योगी को वोट देंगे और किसी को नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ लता। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ऐसे में छोटी छोटी पार्टियों से लेकर तमाम बड़े राजनीतिक दल भी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाना चाहती है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में वो किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहती है। किसको बना रहे मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। काय के लिए? काय के लिए? अच्छा कानून, दो बच्चे हम दो हमारे दो, तीन तीन पैदा कर दो, उसके बाद उनकी फैसिलिटीज और उनकी व्यवस्था कौन करेगा? बच्चों में आपने सब पूरा पूरा परिवर्तन और अच्छा प्रशासन है, अच्छा व्यवस्थित है। वो गुंडा राज खत्म हो गया यूपी में, अच्छे अच्छे गुंडा आजम खान, मुख्तार अंसारी, ऐसे विकास दुबे कानपुर जैसे सबों को सफाया हो रहा है। ऐसा ही मुख्यमंत्री हमें यूपी में अगली बार भी चाहिए। अगली बार जय हिंद जय भारत। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, जो बीजेपी काम करी सब दिखावा है, उन्हीं ने बनाया है और वही जो है कर रहे हैं, उन्हें ने बनाया वही बिगाड़ रहे। हमें इससे मतलब ना, हमें अखिलेश से दुश्मनी ना मायावती से दुश्मनी, लेकिन योगी बाबा का राज अच्छा चल रहा है, यूपी से गुंडा राज खत्म हो रहा है और खत्म होना चाहिए। जियो और जीने दो। और जो ओवैसी आ रहे उत्तर प्रदेश में, इनकी तो बात ही छोड़ो ना, ये तो वही है कि टुकड़े में हमारे पल रहे हैं और जिन्ना का नारा दे रहे हैं। कहते हैं हम 800 साल से हुकूमत कर रहे थे, उनसे ये कह दो कि जी लो हिंदुस्तान है, दूसरी जगह होते तो के नीचे होते। जय हिंद जय भारत। बस चलिए आप बताइए, योगी ने 3 महीने का मुफ्त राशन बांटा। अच्छा। एक महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिल रहा है, कोई गरीब भूखा नहीं मर रहा इस कोरोना की महामारी में भी। ठीक है, कोई भी गरीब भूखा नहीं मर रहा यहाँ पे। योगी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, इन्वेस्टमेंट करी है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है, इसलिए योगी ही अगला मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन अखिलेश यादव मायावती तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मैडम सब दिखावा है। मैडम देखिए, जो ओपोजिशन में होगा बयानबाजी करेगा ही करेगा। आप मुझे ही सपोज कर लीजिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो मैं ओपोजिशन में हूँ मेरी बुराई करेगा ही करेगा। ये आम जनता नहीं जानती इस चीज़ को, आम जनता योगी जी के साथ है यहाँ पे हर तरीके से। तो मतलब चाहते हैं कि 2022 में भी योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने बढ़िया तरीके से? बिल्कुल 100% योगी जी के नेतृत्व में ही सरकार बननी चाहिए। और जिस तरीके से सर भैया उत्तर प्रदेश में अब अरविंद केजरीवाल भी एंट्री कर लिए हैं, ठीक है, और अब एंट्री करने के साथ साथ वो चाह रहे हैं कि कैसे बीजेपी को मात दी जाए। हाँ। तो वो अब अपने दुश्मन जो विरोधी हैं, जो लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको भी पता होगा ओवैसी, उनके साथ गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि सही है गलत है, ये कैसे कैसी राजनीति है? मैडम केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में भी कुछ नहीं करा, सिर्फ फ्री बांटा है, बिजली फ्री, पानी फ्री और कुछ काम तो नहीं किए। सब काम कांग्रेस के ज़माने के हुए, शीला दीक्षित के ज़माने के, जो सब अंडर पास वगैरह फ्लाईओवर जो पास हुए हैं सब कांग्रेस के ज़माने के हुए हैं। यहाँ पे केजरीवाल अपने पास से कुछ नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने फ्री बांटा है, लोगों को ठगा है, एक तरीके से कोई सहूलत नहीं दी है। आज दिल्ली में बारिश हो गई है, जगह जगह जाम लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं वो, कोई सीवर का काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो कहते हैं MCD पे है, MCD करी कि उस पर है, मुख्यमंत्री पे है, ठीक है, ये सिर्फ ठगने का काम करते हैं। जो काम मेन योगी जी ने किया है यूपी के अंदर, यूपी में 4 घंटे की लाइट आती थी, जिस जगह से यूपी स्टार्ट होती थी और जिस जगह यूपी ख़त्म होती थी, लोगों को पता लग गया था कि यहाँ पे अंधेरा आया तो यूपी स्टार्ट हो चुकी है। इस टाइम 17-18 घंटे की ग्रामीण एरियो में लाइट आ रही है, ये योगी जी का काम है। कहाँ के निवासी सर आप जी? कहाँ के निवासी, कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं? मैम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ मैं, बागपत जिले के अंदर। बागपत जिले के अंदर? बागपत जिले के अंदर जी हाँ। बागपत में बढ़िया काम चल रहा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है वहाँ पे, बेहतरीन काम है। अच्छा। कोई परेशानी नहीं है, जिस आदमी को 4 घंटे की लाइट मिली उसे 16-17 घंटे की लाइट मिली तो क्या बुराई है, सब चीज है। योगी सरकार वैक्सीन को लेकर काम कर रही है, टेस्टिंग को लेकर काम कर रही है, इसको लेकर सर आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगह घर घर जा करके आंगनवाड़ी वाली को भेज रहे हैं कि आपके घर में वैक्सीन के लिए कोई रह तो नहीं गया,
जब 60 साल से ऊपर होता है तो उन लोगों 60 साल से ऊपर कोई रह तो नहीं गया, 45 साल से ऊपर है, अब 18 प्लस है, तो घर घर जाके पूछवाया जा रहा है, आपके घर में कोई रह तो नहीं गया, घर घर से बुला करके लेके आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगानी बीजेपी की, हालांकि वो ऐसा बोल रहे थे लेकिन फिर उन्होंने लगा ली, लेकिन लोगों को भ्रामक करने का काम वो कर रहे थे। क्या ऐसा मुख्यमंत्री को चाहेगा? अभी हाल ही में भैया कह रहे थे कि उन्हें अखिलेश यादव चाहिए, वो तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों चाहिए अखिलेश यादव? क्या करा अखिलेश यादव ने यहाँ पे? अखिलेश यादव ने कुछ नहीं करा, सिर्फ राजनीति करी है उन्होंने, सिर्फ इटावा एटा मैनपुरी जो उनके गढ़ है सफाई सफाई को चमकाया सिर्फ उन्होंने। लेकिन योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, लेकिन योगी जी सबको एक समान में रखते हैं। अच्छा, योगी अभी मोदी हो, चलिए हाँ, अभी योगी जी जनसंख्या कानून को लाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप राय रखते हैं, आपको कैसा लग रहा है कानून अगर आएगा तो फिर बढ़िया होगा कि नहीं होगा? आप मेरी बात सुनिए, कानून किसके लिए है? जो समझदार है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, समझदार उनके लिए कानून नहीं है, वो तो हमेशा ही दो बच्चे पैदा करेंगे, समझदार है वो, ये उनके लिए है जो अनपढ़ है गवार है, कानून हमेशा उनके लिए होता है जिनको किसी की समझ में नहीं आती, जो भेड़ चाल में चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसके विरोध में भी बहुत खड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक खड़े हुए हैं कि हाँ ये अलग दिन है जो भी है वगैरह जो भी है उनका वो मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जनसंख्या कम होगी तभी तो नौकरी मिलेगी लोगों को, तभी तो नौकरी मिलेगी जब जनसंख्या कम होगी यहाँ पे नौकरी। अखिलेश यादव और मायावती क्यों नहीं समझ पा रहे? मायावती ये कह रही हैं कि अगर उन्हें जनसंख्या कानून लाना था तो पहले लाते, अरे तो पहले इतना रहता जो फैला था उसको भी समेटना था, लेकिन वो ये कह रही हैं कि अगर पहले लाते कानून। एक्चुअली मेरी बात सुनिए, अब से पहले 10 साल पहले किसी बाप के पास में 10 लाख रुपए उसके 10 बच्चे हुए, उसने 1-1 लाख रुपए बांट दिया सब में, अब उन 10 बच्चों को 10-10 बच्चे पैदा हुए 10-10 हजार रुपए बांट दिए, उसके बाद 10-10 बच्चों के 10-10 बच्चे पैदा हुए 1-1 हजार रुपये बांटेंगे तो उनके बच्चे उनको ही गाली देंगे माँ आपको तुमने हमें दिया क्या है यहाँ पे। मैडम देखिए उपनिषद में जो होगा आप अगर सही रास्ते पे जा रही होंगे ना वो कहेंगे ये गलत है, क्योंकि उनका काम ही उपनिषद में ओपोजिशन में बैठना है और जिस काम को आप करेंगे उसे गलत साबित ठहराना है ये कोई भी हो। और जिस तरीके से भैया लखनऊ में भी 2 अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हैं, अखिलेश उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ATS उन्हें भरोसा नहीं है और योगी सरकार पर भरोसा नहीं है, मतलब कैसी राजनीति? मैडम उन्हें कोविशील्ड की वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, वो कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, ठीक है, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है, उन्हें अपने आप पे ही भरोसा नहीं है, अपने आप पे ही उनको भरोसा नहीं है कि हाँ मैं यह चुनाव जीत सकता हूँ, मैं चुनाव जीत सकता हूँ। अब आप देखते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी के साथ में क्या किया, अलग सरकार बनाई, उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है, उन्हें अपने पिताजी पे भी भरोसा नहीं था कि ये अगर अध्यक्ष रहेंगे चुनाव जीतेंगे ना मुख्यमंत्री मुझे बनने देंगे, तुरंत किनारे हो गए थे, आपने पिछले 5 साल में देखा होगा, देखा होगा जी दिमाग में जी। चलिए मैं भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहने के लिए ये चाह रहा हूँ, हाँ किसको बना रहे हैं सीएम मुख्यमंत्री? सबसे पहले कांग्रेस को। कांग्रेस को बना रहे हैं आप? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस को कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन चेहरा है? मैं बोला कि मोदी को हराना है ना। अच्छा, सोनिया गांधी। अच्छा, क्यों हराना है? वो मिल जाएगा सोनिया गांधी को जीतना है। कांग्रेस तो जी मेरी बात सुनिए, यूपी में तो किसी गिनती में आती नहीं है कांग्रेस, ठीक है। प्रियंका जी बहुत हाथ पैर मार रही है, प्रियंका गांधी बहुत हाथ पैर मार रही है, लेडी भी अच्छी है, लेकिन जो उनका नेतृत्व है ना वो कुछ काम का नहीं है। मैं प्रियंका गांधी की बुराई नहीं कर रहा, लेडी बहुत अच्छी है, लेकिन जो यूपी में कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो किसी काम का नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। कभी कभी किसी के यहाँ पे जाके खड़े नहीं होते, किसी की हाल चाल नहीं पूछते, ठीक है। इतना बुरा वक्त बीता इस बीते 1.5 साल में इस देश के ऊपर, कभी कोई कांग्रेसी सांसद या MP या MLA जो हारा हुआ भी है, कभी जाकर किसी के दरवाजे गरीब के दरवाजे खड़ा नहीं हुआ है वहाँ। अभी ये हाल है कि सारे जो कांग्रेसी थे, जो बड़े नेता थे, वो बीजेपी में शामिल होकर उन्हें बीजेपी उनका सम्मान कर रही है। जी हाँ, वो सम्मान कर रही है उनको, जो उनका पद है उनको दे भी रही है। कांग्रेस में तो जी 2 फाड़ होने वाले हैं यहाँ पे, एक राहुल गांधी है और एक सोनिया गांधी की तरफ है, ठीक है ना। इन्होंने जो है मतलब कांग्रेस में 2 ही रह गए, हम इनकी बुराई नहीं कर रहे, ना सोनिया गांधी की बुराई करते, ना राजीव गांधी की बुराई करते, ना राहुल गांधी की बुराई करते, ना प्रियंका गांधी की बुराई करते। जो इनका गठबंधन है ना, जो इनका नेतृत्व है, वो बहुत कमजोर हो चुका है हर जगह, समझे, ये बात है। और किसी से मैं जानना चाहूंगी, कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने, किसकी सरकार चाहते हैं भैया? सरकार तो वो मोदी की आ रही है, योगी मोदी की आ रही है, 100% आ रही है। क्यों आ रही है?
काम सारे अच्छे करे हैं। अच्छा। जी हर चीज़ की सुविधा मिल रही है हर किसी को। हाँ। किसी को ना रात को दिक्कत है जाने में ना दिन में। हाँ। चोर डकैती नहीं, कोई लूटा मारी नहीं है। हाँ। हर चीज हो रही है। तो बोल रहे हैं बस दिखावा है। अरे अगले ज्यादा ये लोग आतंकवादी के चक्कर में अगले देखो क्या। हाँ। वो किसके पक्ष ले रहे हैं? हाँ। वो तो आतंकवादी ले रहे हैं। हाँ। जो अभी नकलों में परसों दो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। हाँ। मायावती भी उसी जवाब पे आ रही। हाँ। वो कह रही है मुसलमानों को टारगेट कर, मुसलमान आतंकवादी है तो आतंकवादी कहा जाएगा? ये तो कहेंगे नहीं। यहाँ अब तुम वोट के चक्कर में जा कर रहे हो, मोदी वोट खींच रहा है, उसने आतंकवादी पकड़े तो वोट तो ना खींच रहे। उन्होंने अभी वही बॉम्ब वहीं फटता तो ये जाके वहीं धरना देते। अरे ये सरकार ने क्या किया? हाँ। इन्होंने ये बम फटवाया। हाँ। अब उन्होंने पकड़ लिया तो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की कहीं नामबरी ना हो जाए। हाँ। तो जो काम अच्छा करे तो उसकी नामबरी तो होनी चाहिए। अच्छा ओवैसी ने चैलेंज किया है सीएम योगी को, क्या लगता है चैलेंज को जीत पाएंगे वो? छोटा बड़ी बात तो वो उसी हमें देखे एक आध सीट मिल जाए बड़ी बात, वो उनका खाता ना खुलने का। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, यदि ये इलेक्शन लड़ते हैं बाहर के आके तो इनकी जमानत जब्त होती इन्हें इलेक्शन दोबारा लड़ना नहीं चाहिए। इनकी जमानत जब तो के साथ आ रहे हैं, लग रहा है कि आतंकवाद पैदा करके देशद्रोही बातें करके। अब इन्हें यूपी में कौन जानता है? हाँ। ये बस न्यूज पे आने के लिए करते हैं। हाँ। इन्हें जानता तो है नहीं कोई भी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने के बाद ये लोग उत्तर प्रदेश में थोड़ा अपनी मिसाल बिछाने की कोशिश, जैसे यहाँ गए हापुड़ी तरफ के वो इधर घूमते रहते हैं, वो भी सोच रहे हैं हम यूपी में चर्चे में आ जाए, चर्चे में आने के लिए कर रहे हैं। अब इनके दो चार सीट आ जाए तो वो बड़ी बात है ये भी आने की। ये सब चर्चे में आ रहे हैं। योगी कम से कम पिछली बार 325 थी। हाँ। मैं 345 सीट जा रही है। अरे बताली जा रही है। हाँ 300 बार। और ये राहुल गांधी सोनिया गांधी और ये अखिलेश बसपा दुनिया भर की मैंने क्या करते हैं तो ये सिर्फ मोबाइल लेके ट्वीट करते हैं। हाँ ये लो लोनी में क्या हो गया, ये लोनी की अफवाह उड़ाएगी। और वो बात क्या आई कहीं, वो सब एक नेता था बसपा का, उसने कराया था तो फिर इसमें राहुल गांधी ने फिर क्यों ट्वीट किया, ये करना चाहिए। हाँ ये मेरे से गलती है तो इस बात की माफी मांगे, क्यों नहीं मांगी? तो ये दंगा क्यों बढ़ा रहे हैं? अखिलेश कह रहे हैं कि जो दो आतंकी पकड़े गए हैं कि ये झूठ है, ये तो सीएम की झूठ बोल रही है और पुलिस झूठ बोल रही है। कुकर सारे जो सबूत मिले हैं वो कुकर प्रेशर बम विस्फोट सामग्री मिली वो झूठ है। ये कुकर प्रेशर फट जाता, करीब 20-30 आदमी मरते कहीं तो ये जाके धरना देते। अब जैसे अब यहाँ ये मुजफ्फरनगर से पकड़े गए हैं और नकलों में जाके, अब उसके माँ बहन भी पकड़े गए सब, अब उनसे पूछताछ होगी। अब ये सारे एक साइड हो गए तो ये इसी साइड लेते हैं, हाँ चलो सरकार ने अच्छा काम किया। अब ये अच्छे करेंगे तो भी वो गलत बताएंगे, अब वो सही करें तो भी गलत ही करेंगे। अभी योगी सरकार नंबर ही क्यों नहीं करते? अब वो गलत कोई बात गलत हो जाए। अभी ये कोरोना चला, सबसे बढ़िया 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ में, और दिल्ली कितनी के 2 करोड़ की आबादी। दिल्ली में बेड कम पड़ गए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बेड कम पड़े ये बताओ पहले? केजरीवाल कह रहे हमारे के लिए वो नहीं मिली है वैक्सीन, और यहाँ ये योगी ने इतना काम कर लिया तो फिर केजरीवाल पकड़े गए तो केजरीवाल ये सब ही हम ही मैंने इटावा का रहने वाला हूँ। इटावा के हम डिस्ट्रिक्ट इटावा के सियापई के रहने वाले, हमारा गाँव जिला जुगड़ा मुँह पड़ता है। किसको वोट दे रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? वोट तो हमारे सपा के, हम जात के यादव हैं। अच्छा मतलब ये जातिवाद करेंगे? हाँ। मतलब सपा में ही वोट जाएगा जातिवाद? हाँ। हम जाति सपा के मतलब यादव तो यादव को हाँ, यादव है काम का वोट नहीं देंगे है? काम का वोट नहीं देंगे? नहीं वैसा कोई वोट नहीं देंगे, काम का मतलब नहीं दोगे? नहीं काम पे नहीं दोगे, काम का वोट नहीं देना है। कि आपको क्या लगता है कि जनसंघ कानून आने से वाकई विकास होगा या जो दुनिया भर की बातें विपक्ष कर रहे हैं? कानून आएगा तो विकास अच्छा ही बढ़ेगा, और ये जनसंख्या जितनी कंट्रोल की जाएगी तो और बढ़िया बात है। अब ये 6-6 बच्चे हो रहे हैं, 5-5 हो रहे हैं, जहाँ 2 बच्चे होंगे। अब दो बच्चे वाले को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जिसके 4 हैं अब इसके 4-4 हैं, 5-5 हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी, जमीन तो ना बढ़ रही है, जमीन तो उतनी है। आपको क्या लगता है कि आपके 4 बच्चे होंगे आप उन्हें अच्छे से पाल पाओगे या 2 बच्चों को अच्छे से पाल पाओगे? दो बच्चे में हम खुश हैं, है ना? तो वो इस कानून को आप मानते हो ना? हाँ ये कानून को हम मानते हैं। खुल के बोलो ना, क्या बुराई है? अगर कोई चीज अच्छी है तो बोलो कि अच्छी है। 2 बच्चे में हम हाँ। हम दो जन अपने मियाँ बीवी और 2 बच्चे अपने कानून समर्थन कर रहे हैं जनसंघ के कानून का? नहीं वो समर्थन कर रहे हैं। टाइम पे मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। काहे के लिए? योगी आदित्यनाथ के जो कोरोना की कॉन्ट्रैक्टिंग है ट्रेसिंग है वो मतलब काबिले तारीफ है। हाँ। वो एक रोल मॉडल बना है पूरे इंडिया में। रोल मॉडल मानते हो उसे? जी बिल्कुल। वैक्सीन दी है, टेस्टिंग हो रही है, बिल्कुल
विपक्ष तो कह रहे हैं ये सब दिखावा है, कुछ भी नहीं है, पहले सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हीं की वैक्सीन लगा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, विपक्ष का हम देखिए कि पहले वो बोलते कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लिया कि वो बोले कि हम वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन विपक्ष का एक उन्होंने एक एजेंडा बना रखा है अपना कि बीजेपी को किसी न किसी तरीके से लो एंड पे ले आए। किसको सीएम बना रहे हैं? सीएम अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव बना रहे हैं? आप किसे बना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। क्यों? अच्छा नेता है, बढ़िया है। अच्छा नेता आपको क्यों अच्छा लगता है? मुझे अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं। भाई जैसे अगर हम बात करें 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं, शायद उसी की वजह से आप चाहते होंगे कि सीएम योगी आए, तो आपको क्या लगता है कि सीएम योगी ना आए, क्या वजह तो जनता बताएगी। अब आप सर सीएम योगी आदित्यनाथ, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, लगातार हम लोग तमाम राजनीतिक पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और ऐसे में अब सर ये भी दिखाई पड़ रहा है भैया कि अरविंद केजरीवाल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो ओवैसी से गठबंधन करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप इसको लेकर? हम तो कुछ और भी कुछ नहीं समझते, हम ये समझते हैं बस योगी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, और हमें समझ में कुछ ज़्यादा नहीं। तो योगी जी अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बस अपने अंदर की बात है, अच्छे लगते हैं।